थैंक यू। या तो सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, मीटियोर्स, मीटियोरॉइड्स, या डिफरेंट फेजेस होते हैं मून के, क्यों होते हैं, और राहु केतु क्या है, प्लैनेट्स जो है वो वक्री होते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सा प्लैनेट कब वक्री होता है, क्या उसका इफेक्ट होता है, और अल्टीमेटली जो सीजन्स होते हैं, कहीं पर सर्दी है, कहीं पर गर्मी है, उस सीजन्स का भी क्या रीजन है, क्यों एक्लिप्सिस होते हैं, सोलर एक्लिप्स है, ल्यूनर एक्लिप्स है, उनका क्या रीजन है, आज जनरली हम लोग इसी सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये बेसिकली सन है। सन हम जानते हैं कि फिक्स प्लैनेट है, सन मूव नहीं करता है, और सन और अर्थ के बीच में दो प्लैनेट हैं, मरकरी और वीनस। सबसे नजदीक मरकरी है, उसके बाद वीनस है, और उसके बाद अर्थ है। अर्थ के बाद मार्स या मंगल है, जुपिटर है, सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो है, उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं अपने वैदिक सिस्टम में, बट मरकरी और वीनस जो है वो सन और अर्थ के बीच में है, और अर्थ से बाहर जो है वो मार्स, जुपिटर और सैटर्न है। तो ये जो दो प्लैनेट हैं, मरकरी और वीनस, इनको हम नॉर्मली इंटरनल प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये सन और अर्थ के बीच में है, और बाकी जो प्लैनेट हैं इनको हम एक्सटर्नल प्लैनेट भी बोलते हैं। और ये जो दो इंटरनल प्लैनेट हैं इनको हम कभी कभी इंफीरियर प्लैनेट भी बोलते हैं, और ये जो बाकी प्लैनेट है उनको हम सुपीरियर प्लैनेट भी बोलते हैं। इंफीरियर प्लैनेट इसलिए बोलते हैं कि जब हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा था इन प्लैनेट्स के, तो हमने कहा था कि सन और मरकरी का जो मूवमेंट है या मोशन है जोडियक में, इस तरह से होता है कि दोनों के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन नॉट बी मोर देन 27 डिग्री, कैन नॉट बी मोर देन 27 डिग्री। इसी तरह से जो सन और वीनस का मूवमेंट है जोडियक में, वो मूवमेंट भी इस टाइप से है कि सन और वीनस के बीच की जो दूरी है वो किसी भी टाइम 47 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह है कि सन और मरकरी के बीच में ज्यादा से ज्यादा 1 हाउस का डिफरेंस हो सकता है, और सन और वीनस के बीच में ज्यादा से ज्यादा 2 हाउस का डिफरेंस हो सकता है। इसका मतलब जो ये दो प्लैनेट हैं कि वो किसी भी डिस्टेंस पर नहीं जा सकते फ्रॉम द सन, दे आर नॉट फ्री टू मूव एट एनी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन, दे हैव टू रिमेन विद इन द विसिनिटी ऑफ द सन ओनली। तो इसीलिए, क्योंकि इनका मूवमेंट अपने किसी भी पॉइंट पर नहीं जा सकते हैं, दे हैव टू रिमेन विद इन द वेरी नियर टू द सन एक्चुअली, इनको हम फ्री इंफीरियर प्लैनेट बोलते हैं। और बाकी प्लैनेट जो है वो किसी भी डिस्टेंस पर जा सकते हैं सन से, दे आर फ्री टू मूव एट एनी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन एक्चुअली, तो इसलिए उनको हम सुपीरियर प्लैनेट बोलते हैं। और ये मरकरी और वीनस, क्योंकि इनका डिस्टेंस लिमिटेड होता है सन के साथ, तो इसलिए हम इनको इंफीरियर प्लैनेट बोलते हैं। और कोई रीजन नहीं है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस प्लैनेट्स। और जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसकी हम बात करेंगे, हमारा सन है जो, और सन के चारों तरफ जो सारे प्लैनेट मूव करते हैं, हर प्लैनेट के कुछ मून, जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, कि कुछ जो बॉडीज हैं वो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं, उनको हम सैटेलाइट या मून बोलते हैं। फिर सोलर सिस्टम में कुछ कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, माइनर एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, डस्ट एंड गैस है, और इसमें जो मेजर पोर्शन है वो सन का है, और बाकी जो दो बड़े प्लैनेट हैं वो जुपिटर और सैटर्न है। जुपिटर इज सपोज टू बी द बिगेस्ट अमंगस्ट द ऑल प्लैनेट्स, वेरी से हैवीएस्ट प्लैनेट एक्चुअली। कॉमेट्स क्या है, इनको हम डर्टी स्नो बॉल या आइसी मड बॉल भी बोलते हैं, और ये बेसिकली ये मिक्सचर है हमारे आइस का और डस्ट वगैरह का, और समहाउ ये प्लैनेट में इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाए हैं जब ये सोलर सिस्टम बना था। आई थिंक लॉट ऑफ डिस्टरबेंस इज कमिंग, सो काइंडली म्यूट योर ऑडियो एक्चुअली। तो ये जो बेसिकली दे आर मेड ऑफ आइस एंड मड एक्चुअली, डस्ट एक्चुअली। तो
इसलिए हम इनको डर्टी स्नोबॉल या आइसी मडबॉल भी बोलते हैं। और दूसरा ये है कि क्योंकि ये आइस से बने होते हैं, वाटर या फ्रोजन गैस से, तो जब ये सन के बहुत नजदीक आते हैं तो वेपोराइजेशन होता है वाटर का, तो आपको टेल दिखाई पड़ती है कॉमेट्स की, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन बाय द टेल आल्सो। एंड वन ऑफ द हेली कॉमेट जो बहुत फेमस था, जिसके बारे में काफी चर्चा भी होती रहती थी, ये सबसे पहले जो है 1531 में दिखाई दिया था, उसके बाद 9 फरवरी 1986 में दिखाई दिया, और उसके बाद कहते हैं कि आफ्टर 76 ईयर्स मतलब 2061 में दिखाई देगा। तो ये बेसिकली कॉमेट्स हैं, विच आर बेसिकली आइस एंड द डस्ट एक्चुअली। और कॉमेट्स तो आइस एंड डस्ट के बने होते हैं, और छोटे छोटे रॉक्स भी होते हैं, बट एस्टेरॉइड्स होते हैं उसमें काफी, जो मेटल एंड रॉक्स के बने होते हैं, वो उसमें आइस नहीं होता, दे आर बेसिकली मेटल एंड रॉक्स। और क्योंकि ये मेल्ट नहीं होते, मेटल रॉक्स के बने होते हैं, तो ये जनरली दे आर फाउंड वेरी नियर टू द सन और क्लोजर टू द सन एक्चुअली। और जो कॉमेट्स होते हैं, क्योंकि सन के बहुत पास आएंगे तो मेल्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इनका जो फॉर्मेशन होता है वो सन से काफी दूरी पर होता है। एस्टेरॉयड का कोई टेल नहीं होता, कोई वेपोराइजेशन नहीं होता, लेकिन कॉमेट्स में जब ये सन के बहुत पास आते हैं तो आइस मेल्ट होता है, और उसकी वजह से इनका वेपोराइजेशन और टेल दिखाई पड़ता है। एस्टेरॉयड का जो पाथ है बहुत शॉर्ट है और सर्कुलर है, जबकि कॉमेट्स का जो पाथ है वो एक्सटेंडेड और एलोंगेटेड है। और एस्टेरॉयड की संख्या बहुत ज्यादा है, मिलियंस ऑफ एस्टेरॉयड्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, लेकिन जो कॉमेट्स हैं दे वर ओनली 6,339 टिल जुलाई 18 एक्चुअली। तो ये एस्टेरॉयड्स एंड कॉमेट हैं। ऐसे ही आपने मीटियोर्स, मीटियोरॉइड्स और स्टार्स के बारे में सुना होगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। और मीटियोर्स क्या है कि हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि तारा टूट के गिर रहा है, शूटिंग स्टार्स, उसके बारे में शायद हम सभी लोग जानते हैं, और हम कहते हैं कि जब तारा टूट के गिरता है तो कोई हम विश मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। तो दे आर बेसिकली नथिंग बट दे आर बेसिकली मीटियोर्स, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं सन के अराउंड में, और जब ये अर्थ की सरफेस में आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें हीट जनरेट होती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इससे जो हीट निकलती है उससे उसकी चमक दिखाई देती है, तो उसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। और नॉर्मली हम लोग देखते भी हैं कि तारा टूट के गिर रहा है, तो तारा टूट के गिरना नहीं है, मतलब वो एक मीटियोर्स हैं जो कि छोटे छोटे पार्टिकल हैं सन के अराउंड में, और जब अर्थ की सरफेस में आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें हीट जनरेट होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड जस्ट इन कंट्रास्ट टू मीटियोर्स, मीटियोराइट्स होते हैं। मेटियोराइट्स जो है बहुत बड़े बड़े हैवी रॉक्स या मेटल बॉडीज होती हैं एक्चुअली में, और ये जब अर्थ के सरफेस में आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होते। और क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो वहां पर वो काफी डैमेज भी करते हैं। हम सुनते भी हैं कि कोई मेटियोराइट्स गिरने वाला है उस पर्टिकुलर प्लेस पर, तो जहां भी गिरेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बॉडीज हैं, बड़े बड़े रॉक्स हैं, और पूरी तरह से जैसे मीटियोर्स तो डैमेज हो जाते हैं, पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं पूरी तरह से, तो जब गिरते हैं तो नेचुरली जहां भी गिरेंगे अर्थ के ऊपर उसको डैमेज करते हैं। और जो हम स्टार्स हम देखते हैं, तारे कहते हैं कि वो बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम उनके अंदर होती है, 75% हाइड्रोजन है और 23% हीलियम है, एंड दे आर हेल्ड टूगेदर बाई द ग्रेविटी एंड प्रोड्यूस फोटोन एंड हीट, और जिसको हम हैवियर एलिमेंट भी कहते हैं, तो वो प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से आपको जो है उसकी चमक दिखाई देती है। और सन भी एक स्टार ही है विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ एक्चुअली। अब जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सन है हमारा स्टार है नियरेस्ट टू द अर्थ, और इसका जो मेन डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ वो 14.96 लाख किलोमीटर है, और इसका जो डायमीटर है 13.92 लाख किलोमीटर है। मरकरी जो है वो नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, उसकी जो सन से दूरी है वो 5.80 करोड़ किलोमीटर है, और सिडरल टाइम मीन्स द टाइम टेकन टू रिवॉल्व अराउंड द सन, तो वो 87.88 डेज है, और
इसको हम सनराइज और सनसेट के बाद हम देख भी सकते हैं, बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। और जो इसकी स्पीड है जिससे ट्रेवल करता है वो 48 किलोमीटर पर सेकंड है। और सन मरकरी एक ऐसा प्लानेट है जिसका कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई मून नहीं है इसका कोई भी जो है। ऐसे ही वीनस है, उसके बाद वीनस को हम कहते हैं कि ब्राइटेस्ट है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, और हम इसको नेकेड आई से भी हम कभी कभी देख पाते हैं। तो नेक्स्ट टू द मून ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट टू नाइट में दिखाई पड़ता है स्काई में। इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन दैट इज 10.75 करोड़ किलोमीटर, और इसका जो साइडरियल टाइम है 225 डेज है, और इसकी वेलोसिटी या स्पीड है 35 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है, जैसे मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई मून नहीं है, ऐसे ही वीनस का भी कोई सैटेलाइट नहीं है। मार्स को कहते हैं हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं, और इसका जो सन से डिस्टेंस है दैट इज 22.78 करोड़ किलोमीटर, साइड रियल पीरियड 687 डेज है, और इसकी जो वेलोसिटी है 24.1 किलोमीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे सन से दूर जाते जाएंगे उनकी स्पीड जो है वो कम होती चली जाएगी। और इसकी दो सैटेलाइट है मार्स के जिसको हम Excuse me, sir. जी What is sidereal period? दिस इज द टाइम टेकन टू मूव अराउंड द सन एक्चुअली। Sidereal, okay. तो इसके दो सैटेलाइट हैं, फोबोस एंड डायमोस। फोबोस मतलब फियर एंड डायमोस मींस टेरर एक्चुअली। इसी तरह से जुपिटर है जिसको मैंने कहा कि सबसे बड़ा प्लानिट है, हैवीएस्ट प्लानिट है, और कहते हैं कि सारे प्लानिट को अगर आप इकट्ठा भी कर दें तो उससे भी ज्यादा इसका मास है। और कहते हैं कि यही एक प्लानिट है अपार्ट फ्रॉम द अर्थ विच हैज द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। और इसकी डिस्टेंस जो सन से है वो इतने किलोमीटर है, ये 12 साल लगाता है सन की चारों तरफ घूमने में, 12 साल के बाद वापस आता है। और इसका जो मास है दैट इज 317.8 टाइम्स ऑफ द अर्थ मास, अर्थ से इतना गुना ज्यादा है, 317.8 टाइम्स एक्चुअली। मैंने कहा कि मैसिव प्लानिट है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि जुपिटर इन इटसेल्फ इज ए सोलर सिस्टम, क्योंकि अभी तक जुलाई 18 तक इसके 79 सैटेलाइट्स डिस्कवर हुए, 79 सैटेलाइट्स, अब जस्ट इमेजिन करिए आप। और मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट मतलब 60 सैटेलाइट्स हैं जो बहुत छोटे भी हैं, जो लेस देन 6.2 माइल्स इन डायमीटर हैं। और जो चार बड़े सैटेलाइट हैं जुपिटर के, उनके नाम हैं इयो है, यूरोपा है, गैनीमीड है, और कैलिस्टो है। सैटर्न का मेन डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज सो मच, साइडरियल पीरियड इज 30 ईयर्स ऑलमोस्ट, 30 साल के बाद वापस आता है। और इसकी जो स्पीड है, ये स्लोएस्ट मूविंग प्लानिट है, इसकी स्पीड जो है 9.55 किलोमीटर पर सेकेंड है। और कहते हैं कि इसके 10 सैटेलाइट हैं, 10 सैटेलाइट्स सैटर्न के, और जो ब्राइटेस्ट है वो टाइटन है। वो टाइटन जो है वो एक सैटर्न का सैटेलाइट भी है, और जो वो कहते हैं कि मरकरी के साइज का है। और इसका दूसरा सैटेलाइट जो बड़ा सैटेलाइट है उसका नाम लेपिटस है। और मून जो है, मून क्या है, मून हमारा अर्थ का सैटेलाइट है। मून इज बेसिकली नॉट ए प्लैनेट, मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ना कि सन के चारों तरफ घूमता है। तो इसको कहते हैं कि बेसिकली ये अर्थ का सैटेलाइट है। और इसकी जो अर्थ से मेन डिस्टेंस है वो 38.844 लाख किलोमीटर है। इसका जो रेडियस है वो 1738 किलोमीटर है। और अर्थ में हम देखते हैं कि हमारा एटमोसफियर है विच इज मेनली कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, लेकिन मून का जो है कोई एटमॉस्फियर नहीं है। और खास बात यह है कि इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती मून की। ये लाइट इसके ऊपर जो सन से रिफ्लेक्ट होकर पड़ती है वो हम देख पाते हैं, बट अपनी जो है इसकी मून की कोई लाइट नहीं होती। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका जो पाथ है मून का, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। अर्थ और मून का जो पाथ है, दे आर नॉट मूविंग इन द सेम प्लेन। मून्स पाथ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्री टू द एक्लिप्टिक, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी रेलेवेंट पॉइंट। और आप देखेंगे इसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो हम एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन देख पाते हैं। तो
जो बहुत सारी चीजें हम इससे भी एक्सप्लेन करेंगे कि जो मून का पाथ है और जो एक्लिप्टिक है उन दोनों का जो है वो एक प्लेन नहीं है, दोनों एक दूसरे से 5 डिग्री इंक्लाइंड है। ये है बेसिकली सन है, अर्थ रिवॉल्व हो रही है सन के अराउंड और मून जो है ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। तो ये बेसिकली मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब जो मून के जो वेरियस फेजेस आपको दिखाई पड़ते हैं, कभी अमावस्या है, कभी पूर्णिमा है, कभी अष्टमी है, कभी आधा मून है, कभी पूरा मून है, कैसे दिखाई पड़ता है? अब आपने कहा कि ये अर्थ है हमारा, अर्थ के चारों तरफ मून जो है रिवॉल्व कर रहा है, मून जो है वो अर्थ का एक सैटेलाइट है और सन की लाइट मान लीजिए पड़ रही है उसके ऊपर, ये सन है, सन की जो रेज आ रही है वो दिखाई दे रही है। अब आप यहाँ पर हैं अर्थ के ऊपर जो है, लेट अस से एक पर्टिकुलर पोजीशन में मून यहाँ पर है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में मून यहाँ पर है, तो सन की जो लाइट पड़ रही है मून के ऊपर वो इस पोर्शन में पड़ रही है, बाहर वाले पोर्शन में, बाहर वाले जो कहेंगे हम हेमिस्फीयर है उसके ऊपर पड़ रही है। बट आप यहां से देख रहे हैं अर्थ से, तो अर्थ से आपको क्या दिखाई पड़ा? ये वाला ब्लैक पोर्शन, हाँ, तो हम देखते हैं कि सन मून जो है वो बिल्कुल छोटा हो गया या दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको हम कहते हैं अमावस्या। When you can see the moon which is of the smallest size, कि जब moon की position ये होती है इस position में और जब sun की rays पड़ती हैं तो sun की rays जो है वो outer जो hemisphere है moon का उसके ऊपर पड़ती हैं, और क्योंकि हम लोग यहाँ earth से देख रहे हैं तो earth से हमको ये वाला portion दिखाई पड़ता है, total black है, मतलब इस day को हम कहते हैं अमावस्या या moon का में बिल्कुल ना दिखना जो है। अब ये देखिए ये पोजीशन कब आई, ये पोजीशन जब आई जब मून और सन अर्थ के एक तरफ है, मून और सन अर्थ के एक तरफ है। अर्थ के एक तरफ होने का क्या मतलब हुआ कि जोडियक में सन और मून जो है दे आर टुगेदर, इन द जोडियक सन एंड मून दे आर टुगेदर। तो जब सन और मून इकट्ठे होते हैं दोनों के बीच में 0 डिग्री का डिफरेंस होता है, तब ये सिचुएशन आती है कि आप जो है मून को बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं और उस डे को हम कहते हैं अमावस्या, उस डे को हम कहते हैं अमावस्या। तो सिर्फ ये मून का मूवमेंट है बिकॉज समहाउ जो लाइट पड़ रही है वो आउटर पार्ट पर पड़ रही है और क्योंकि हम अर्थ पर है यहाँ पर है तो यहाँ से हम जो देख पा रहे हैं वो ये वाला पोर्शन है जो कि ब्लैक पोर्शन है। तो ये अमावस्या का दिन हो गया और अमावस्या के दिन आपने देखा कि मून और सन जो है दोनों अर्थ के एक तरफ है और अर्थ के एक तरफ होने की मतलब होता है जोडियक में कि देयर टुगेदर, कि सन और मून हॉरोस्कोप में एक ही साथ है, एक ही हाउस में है, एक ही राशि में है, तो उसको हम अमावस्या कहते हैं, या सन और मून के बीच का जब डिस्टेंस 0 डिग्री होता है तो उसको हम अमावस्या कहते हैं। अब धीरे धीरे मून ने रिवॉल्व करना शुरू किया अर्थ के चारों तरफ, सपोज मून हैज कम हियर, मून यहां पर आ गया, यहां आप क्या देख रहे हैं कि जो लाइट पड़ रही है दैट इज ऑन दिस पोर्शन, सन की जो रेज है वो इस पोर्शन पर पड़ रही है, राइट? तो आप यहां से क्या देख पा रहे हैं, यहां से आप देखेंगे तो ये पोर्शन आपको दिखाई दिया आधा ब्लैक आधा व्हाइट, यही पोर्शन दिखाई दिया आपको, आधा ब्लैक है आधा व्हाइट है, तो आधा चंद्रमा आपको दिखाई पड़ा, आधा चंद्रमा आपको दिखाई पड़ा, तो इसको हम कहते हैं अष्टमी, जब सन और मून का डिस्टेंस 90 डिग्री होता है एक दूसरे से, तो ये 8th तिथि हो गई आपकी जो लूनर सॉरी शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो उसकी 8th तिथि हो गई, कि जब सन और मून का जो डिस्टेंस है दैट इज 90 डिग्री और आपका जो लाइट पड़ी है वो इस पोर्शन में पड़ रही है और आप जो यहां से देख पाते हैं वो आधा डार्क है आधा व्हाइट है, ठीक? अब मान लीजिए कि मून यहां पर आ गया, मून यहां पर आ गया, तो अब जो लाइट पड़ रही है रेस सन की वो इस पोर्शन में पड़ रही है,
पूरे पोर्शन, और आप यहाँ पर हैं अर्थ पर, तो आपको पूरा चंद्रमा दिखाई पड़ता है, जिसको हम फुल मून कहते हैं या पूर्णिमा कहते हैं। फुल मून कहते हैं या पूर्णिमा कहते हैं कि आप पूरा का पूरा पूरा का पूरा चंद्रमा आप देख पाते हैं, फुल मून जो है। और ये पोजीशन कब आई? व्हेन सन एंड मून, ये आपका सन है इधर और इधर मून है, दे आर अपोजिट टू द अर्थ, दे आर अपोजिट टू द अर्थ। और अपोजिट टू अर्थ का मतलब है कि जब सन और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो 180 डिग्री है। सन और मून के बीच का जो डिस्टेंस है 180 डिग्री है, तब ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप पूरा चंद्रमा देख पाते हैं, या उस दिन जो है पूर्णिमा का या फुल मून डे होता है, कि जब सन और मून एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। और जोडियक में होता भी यही है कि जब सन और मून आपके एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका अर्थ यह है कि आपका बर्थ जो है वो पूर्णिमा के दिन हुआ है। और जब सन और मून इकट्ठा होते हैं किसी भी हॉरोस्कोप में, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपका बर्थ जो है अमावस्या के दिन या न्यू मून डे पर हुआ है। और सन और मून के डिस्टेंस अगर 90 डिग्री होता है, तो बर्थ आपका अष्टमी के दिन होता है, एट्थ तिथि ऑफ द लूनर मंथ होता है। तो ये आपको फुल मून दिखाई दिया, और जब धीरे धीरे करके चंद्रमा जब यहाँ पर आया, अगेन द सेम पोजिशन जो यहाँ दिख रही थी आपको, कि मून की जो लाइट है, सन की लाइट यहाँ पड़ रही है, तो आप आधा चंद्रमा जो है वो देख पा रहे हैं। तो ये अगेन ये आपका जो है अष्टमी हो गया, और धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है, और यहाँ पर आकर फिर जीरो मून का साइज हो जाता है। तो इस तरह से जो मून के जो वेरियस फेजेस होते हैं, और जैसा आप देख भी पा रहे हैं कि ये मून की कोई अपनी लाइट नहीं है, जो भी लाइट सन रेस से रिफ्लेक्ट हो रही है मून के ऊपर, वही लाइट हम उसकी देख पाते हैं। लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि जो अर्थ है पृथ्वी, वो मून और सन के बीच में आ जाती है। ये पृथ्वी है, ये मून है, ये सन है। तो जिस पोजीशन में, जिस मोमेंट पर अर्थ जो है सन और मून के बीच में आती है, तो क्या होता है कि जो सन की लाइट है वो मून के ऊपर नहीं पड़ पाती। सन की जो लाइट है वो मून के ऊपर नहीं पड़ पाती, तो हम कहते हैं ग्रहण लग गया, या मून का जो साइज है वो आपको या तो कम दिखाई देगा या बिल्कुल दिखाई नहीं देगा जो है। तो ये अर्थ जो है जब सन और मून के बीच में आ जाती है, तो ये जो सन की रेस है जो मून के ऊपर पड़ने वाली थी उसको रोक लेती है, तो मून के ऊपर कोई लाइट नहीं पड़ती है, और मून आपको पूरा या पार्शियल जो है वो डार्क दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये पोजीशन कब होगी? जब आप देख रहे हैं यहाँ पर, अभी हमने डिस्कस भी किया कि मून और सन जो है एक दूसरे के अपोजिट है, मून और सन अर्थ के अपोजिट है। मून और सन अर्थ का अपोजिट होना मतलब 180 डिग्री का डिफरेंस। 180 डिग्री मतलब पूर्णिमा, फुल मून डे हुआ। पूर्णिमा के दिन ही पॉसिबल होगा ये, कि जब सन और मून जो है अर्थ के अपोजिट साइड पे, तो ये पॉसिबल पूर्णिमा के दिन ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो चंद्र ग्रहण है वो सिर्फ पूर्णिमा के दिन पॉसिबल होता है, ना कि और किसी दिन में। जब भी चंद्र ग्रहण आपको दिखाई देगा, तो आप देखेंगे कि उस दिन फुल मून डे होगा या पूर्णिमा होगी जो है, क्योंकि वही जो है उसी टाइम ये पॉसिबल है जब अर्थ जो है बिल्कुल सन और मून के बीच में आ जाती है, और या सन और मून का जो डिस्टेंस होता है वो 180 डिग्री होता है, या पूर्णिमा का दिन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि दिस विल हैपन ऑन एवरी पूर्णिमा, दिस शुड हैपन ऑन एवरी पूर्णिमा, हर पूर्णिमा के दिन ऐसे ही होगा? तो कायदे में तो हर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होना चाहिए, सोलर लूनर एक्लिप्स होना चाहिए, हर पूर्णिमा के दिन लूनर एक्लिप्स होना चाहिए, क्योंकि यही पोजीशन तो आएगी, सेम पोजीशन हर पूर्णिमा के दिन जो है, बट हर पूर्णिमा के दिन तो नहीं होता। नो सर, साल में तो मुश्किल से कितने चंद्र ग्रहण होते हैं, 2 या 3 से ज्यादा नहीं होते। राइट सर,
But this position will be on every Purnima. Yes, sir. तो हर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो एक्लिप्टिक है एंड द प्लेन ऑफ द मून दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्री. अगर ये इंक्लाइंड नहीं होते, मून का पाथ अगर और जो अर्थ का पास है एक ही होता, एक ही प्लेन में होता, दिस कुड हैव हैपेंड ऑन एवरी पूर्णिमा. हर पूर्णिमा को ये पोजिशन आती, बट क्योंकि उनका जो मून का जो पाथ है वो इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्री, तो वो नॉर्मली एक प्लेन में नहीं होते. वो सिचुएशन बड़ी यूनिक होती है, रेयर होती है, जबकि दोनों एक प्लेन में हो. और जब एक प्लेन में होंगे जब ये पॉसिबल होगा. तो सिर्फ ये उसके कारण कि हमारा जो मून का पाथ है दैट इज इंक्लाइंड टू द एक्लिप्टिक एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्री, बोथ आर नॉट इन द सेम प्लेन, तो इसलिए ये हर पूर्णिमा को नहीं पड़ता है. कभी कभी एक सिचुएशन ऐसी आती है कि दोनों का प्लेन एक होता है, उस टाइम जो है अर्थ पूरी की पूरी जो सन की लाइट है वो चंद्रमा के ऊपर गिरने से रोक लेता है. और ये भी होंगे, और वो भी होंगे इसकी कोई और पतले पतले भी. हाँ, वो लाल है, वो है, वो सब तो लाना ही लाना है उसके. काइंडली म्यूट योर ऑडियो एक्चुअली. हाँ, अब सोलर एक्लिप्स को देखिए. सोलर एक्लिप्स के दिन क्या हुआ कि चंद्रमा बीच में आ गया, अर्थ ये है, सन ये है, तो सन और अर्थ के बीच में मून आ गया है. और इससे क्या हुआ कि जो पार्शियल जो सन के की जो लाइट आप देख पाते हैं अर्थ से, वो आप नहीं देख पाते. पार्शियल जो सन के की लाइट आप देख रहे थे, कुछ आपको पोर्शन डार्क लगेगा. कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि टोटल एक्लिप्स हो जाता है. तो ये पोजीशन है जब मून जो है अर्थ और सन के बीच में आया. इसका मतलब ये हुआ कि बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ द अर्थ, बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ अर्थ, कि ये चंद्रमा है, ये सूरज है. और ये मतलब कि जब दोनों का डिस्टेंस जोडियक में 0 डिग्री है, या दोनों एक साथ हैं जोडियक में, या हम कहेंगे कि अमावस्या का दिन है, अमावस्या का दिन है, तो सूर्य ग्रहण की जो पॉसिबिलिटी होती है वो सिर्फ अमावस्या के दिन होती है, और चंद्र ग्रहण की जो पॉसिबिलिटी होती है वो सिर्फ पूर्णिमा के दिन होती है. इसलिए आप देखते हैं कि जो चंद्र ग्रहण पड़ता है वो पूर्णिमा के दिन पड़ता है, और जो सूर्य ग्रहण पड़ता है वो अमावस्या के दिन पड़ता है. और नेचुरली यही पोजीशन हर अमावस्या को होगी, बट रीजन इज सेम कि मून का जो प्लेन है और अर्थ का जो प्लेन है वो इंक्लाइंड है एक दूसरे से 5 डिग्री पर, तो इसलिए हर अमावस्या को ये नहीं होगा. और सोलर एक्लिप्स 3 तरह का होता है. एक टोटल है जिस पर पूरा का पूरा सन के ऊपर डार्क हो जाता है. एक पार्शियल होता है कि थोड़ा सा पोर्शन आप काला हो जाता है. एक होता है एनुलर. एनुलर मतलब कि जो अंदर का पोर्शन है ये पूरा डार्क हो जाता है और बाहर आपको एक रिंग टाइप की दिखाई पड़ती है. दैट इज वेरी वंडरफुल पिक्चर एक्चुअली कि एक रिंग आपको दिखाई पड़ती है. तो ये एनुलर, उसको हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं. तो 3 टाइप का है, पार्शियल है, टोटल है और ल्यूनर है. अब इनके बारे में देखिए कि मून तो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू अर्थ. जब अर्थ जो है वो बीच में आती है सन और मून के, तो मून छोटा है, अर्थ काफी बड़ा है, तो काफी देर तक वो सन की लाइट मून के ऊपर गिरने से रोक सकती है. लेकिन मून बहुत छोटा होता है, तो इसलिए जो सोलर एक्लिप्स का जो ड्यूरेशन है या सोलर एक्लिप्स की जो विजिबिलिटी है बहुत एक थोड़े पोर्शन पर होती है. एक्चुअली में कहा कि मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ, इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट सन्स रेज ओनली फॉर ए स्मॉलर एरिया ऑन द अर्थ. तो सोलर एक्लिप्स जो होता है वो विजिबल होता है ओनली इन ए लिमिटेड एरिया ऑफ द अर्थ. और दूसरा रीजन ये भी है कि जो सोलर ल्यूनर एक्लिप्स है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट है एज कम्पेयर टू सोलर एक्लिप्स. हेलो, ल्यूनर एक्लिप्स जो है सोलर एक्लिप्स के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं. और कहते हैं कि सोलर एक्लिप्स तो साल में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं हो सकते. और ऐसे ही जो
ल्यूनर एक्लिप्स होते हैं वो साल में तीन तक हो सकते हैं, सोलर एक्लिप्स एक या दो होगा और ल्यूनर एक्लिप्स या तो कुछ भी नहीं होगा या तीन तक हो सकते हैं। और टोटल की जो ल्यूनर एक्लिप्स की है वो करीब पौने दो घंटे से ज्यादा नहीं होती, पौने दो घंटे तक ही जो है टोटल जो विजिबिलिटी है जो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, जो ल्यूनर एक्लिप्स होगा वो पौने दो घंटे से ज्यादा का समय के लिए नहीं होता है। और ल्यूनर एक्लिप्स को देखना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसकी डायरेक्टली हम सन रेज को नहीं देख रहे हैं, वो रिफ्लेक्टेड है। बट कहते हैं कि जो सोलर एक्लिप्स होता है उसको नहीं देखना चाहिए, दैट मे बी डेंजरस एक्चुअली। अब हम बहुत एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स, या जिसको हम कहते हैं वक्री, कहते हैं प्लैनेट वक्री चल रहा है। जैसे आजकल आप चर्चा सुनते भी हैं कि जुपिटर और सैटर्न दोनों वक्री चल रहे हैं। तो ये वक्री पहली चीज तो ये कि होते क्यों हैं, और दूसरा ये कि अगर वक्री होते हैं तो उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है हमारे लाइफ के ऊपर जो है। तो इन दोनों चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहली चीज तो यह है कि जैसे अभी कभी कभी हमने देखा है कि हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, हमारी ट्रेन मूव कर रही है, उधर से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, दोनों ट्रेन मूव कर रही हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो दूसरी ट्रेन है वो हमको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई देती है, जबकि उसकी डायरेक्शन कुछ और होती है, बट हमें वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई देती। होता है ना ऐसा कभी कभी? Yes, sir. कि दो ट्रेन मूव कर रही हैं तो हमें लगेगा कि वो ट्रेन जो है शायद रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। वो ही चीज यहाँ पर एग्जैक्टली, अगर हमें रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट का कंसेप्ट समझना है तो कोई प्लैनेट कभी बैक साइड में मूव नहीं कर सकता। जोडियक है, जोडियक में तो सीधा सीधा मूव करेगा, बैक साइड में कैसे मूव करेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं। बट कुछ सर्कमस्टांसिस में, कुछ सिचुएशन में, किसी टाइम जो है वो हमें पृथ्वी से उल्टा मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है। मूव नहीं करता कोई उल्टा कभी प्लैनेट, लेकिन बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द टू बॉडीज एक ऐसी सिचुएशन आती है कि वो प्लैनेट हमें उल्टा मूव करते हुए पृथ्वी से दिखाई देते हैं, मूव नहीं करते उल्टा। और मैंने कहा कि ये जब भी पॉसिबल है जब दो प्लैनेट के बीच में, दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। अगर एक ट्रेन अगर खड़ी हुई है, दूसरी ट्रेन जा रही है, तो कभी आपको नहीं लगेगा उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। या एक ट्रेन बहुत कम स्पीड से चल रही है, एक ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही है, तभी भी नहीं लगेगा आप कभी उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। ये जब भी पॉसिबल होता है जब दोनों की स्पीड काफी होती है, दोनों की स्पीड जो है काफी होती है, जब भी ये पॉसिबल होता है। तो वही चीज यहाँ पर प्लैनेट के साथ में है कि प्लैनेट और अर्थ के बीच में जो रिलेटिव मूवमेंट होता है उसकी वजह से कुछ सिचुएशन में, कुछ सर्कमस्टांसिस में, किसी मोमेंट पर हमें कुछ प्लैनेट जो है वो उल्टा मूव करते हुए दिखाई देते हैं। उसको हम रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट बोलते हैं, या प्लैनेट का वक्री मूव करना हम उसको बोलते हैं। और जैसा मैंने कहा कि प्लैनेट कोई वक्री मूव नहीं करेगा, नहीं कर सकता है, बट हमें पृथ्वी से वो उल्टा मूव करता हुआ या रेट्रोग्रेड मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है। अब सर इलिप्टिकल मोशन में, इलिप्टिकल मोशन में जी बेसिकली जो लीनियर स्पीड होती है वो वेरी करती है, किसी पॉइंट पर ज्यादा हो जाती है, किसी पर कम। करेक्ट। और ये फिनोमिना अर्थ और दूसरे प्लैनेट के लिए अलग अलग टाइम पे होता है। बिल्कुल, क्योंकि हम अर्थ से देख रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि कोई प्लैनेट रिलेटिव में, हाँ, इट कैन नॉट मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। जैसे ट्रेन जा रही है वो तो उसी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो शायद उल्टी मूव कर रही है। तो वही चीज यहाँ पर है कि प्लैनेट इज नॉट मूविंग इन रिवर्स डायरेक्शन, इट कांट मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन, बट ड्यू टू द रिलेटिव मोशन इट इज अपीयरिंग टू बी मूविंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो ये है रेट्रोग्रेड प्लैनेट का फिनोमेनन। और हम जानते हैं, जैसे देखा भी हमने, कि सन और मून कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते, सन और मून कभी वक्री नहीं होते, और बाकी सारे प्लैनेट वक्री होते हैं। मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, मरकरी है, वीनस है, ये सारे प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो सकते हैं, लेकिन सन और मून कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं।
उसका रीजन है, उसका रीजन है। रीजन क्या है? अगर हम सन और अर्थ को कंपेयर करें, सन और अर्थ को, सन तो स्टेशनरी है, सन इज नॉट मूविंग, सन इज नॉट मूविंग, सन इज स्टेशनरी। तो नेचुरली सन कभी आपको उल्टा मूव करते हुए दिखाई नहीं दे सकता, एक स्टेशनरी है एक मूव कर रहा है। तो दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मूवमेंट नहीं है, तो इसलिए सन कभी भी आपको रेट्रोग्रेड मोशन करता हुआ नहीं दिखाई देगा जोडियक में। नाउ यू कंसिडर मून, मून की क्या स्पीड है? 13 टू 15 किलोमीटर पर डे, सॉरी 13 टू 15 डिग्री पर डे। मून की जो स्पीड है 13 टू 15 डिग्री पर डे, और अर्थ जो है वो एक डिग्री से मूव कर रही है, एक डिग्री। और मैंने कहा कि जब एक बॉडी बहुत स्लो है, एक बॉडी बहुत फास्ट है, उसमें भी कोई सिचुएशन ऐसी नहीं आती कि वो आपको उल्टी मूव करती हुई दिखाई पड़े। तो यू कैन से कि अर्थ इज ऑलमोस्ट स्टेशनरी विद रेफरेंस टू मून। एक्चुअली उनका स्पीड में इतना ज्यादा डिफरेंस है दोनों की कि वी कैन कंसिडर अर्थ एज ए स्टेशनरी बॉडी एज कम्पेयर टू द मून एक्चुअली इन जोडियक। तो इसलिए मून भी जो है कभी रेट्रोग्रेड नहीं होता है, मून भी कभी रेट्रोग्रेड नहीं होता। तो सन और मून कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं, और बाकी जितने भी प्लैनेट हैं, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, वो सब रेट्रोग्रेड होते हैं, बट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ राहु केतु दे आर ऑलवेज दे मूव इन द रेट्रोग्रेड मोशन ओनली, बट बाकी प्लैनेट जो है वो किसी ना किसी मूवमेंट पर रेट्रोग्रेड होते हैं। और अभी हमने कहा कि दो तरह के प्लैनेट हैं, हमने मरकरी और वीनस को इंटरनल प्लैनेट भी कहा और इंफीरियर प्लैनेट भी कहा। इसी तरह से मार्स, जुपिटर और सैटर्न को हमने एक्सटर्नल प्लैनेट भी कहा और सुपीरियर प्लैनेट भी कहा। इंफीरियर इसीलिए कहा कि बिकॉज दे आर नॉट फ्री टू मूव एट एनी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन, तो इसलिए इंफीरियर है। और बाकी जो प्लैनेट है मार्स, जुपिटर और सैटर्न, दे आर फ्री टू मूव एट एनी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन एक्चुअली, इसलिए उनको सुपीरियर प्लैनेट बोलते हैं। तो कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकली जब हम पढ़ें इसको या देखें कि जब ये मरकरी और वीनस सन के बहुत पास होते हैं, मरकरी और वीनस सन के जब बहुत पास होते हैं, तो दैट इज द टाइम व्हेन दे कैन अपीयर टू बी मूविंग इन द रेट्रोग्रेड मोशन, तब वो उनकी वक्री होने की पॉसिबिलिटी होती है। जब भी मरकरी और वीनस सन के बहुत पास होते हैं उस टाइम उनके वक्री होने की पॉसिबिलिटी होती है। और जब बाकी जो एक्सटर्नल प्लैनेट हैं मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये जब सन के अपोजिट होते हैं, सन और इन प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस करीब 180 डिग्री होता है, तब ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें वो वक्री मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि मरकरी और वीनस वक्री हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो सन के बहुत पास होंगे, और जब भी आप देखेंगे कि मार्स, जुपिटर और सैटर्न वक्री होते हैं तो वो सन के बहुत दूर होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि सन मून को छोड़कर बाकी सारे प्लैनेट रेट्रोग्रेड मूव करते हैं कभी ना कभी किसी ना किसी पोजीशन में। तो कहते हैं कि मरकरी जो है साल में 3 बार रेट्रोग्रेड होता है, मरकरी जो है एक साल में 3 बार रेट्रोग्रेड होता है, और हर बार 24 डेज के लिए रेट्रोग्रेड होता है। जब भी आप पंचांग देखेंगे या एफएमआरएस देखेंगे और वहां पर जो पोजीशन होगी प्लैनेट्स के रेट्रोग्रेड होने की, तो आप देखेंगे कि मरकरी का जो रेट्रोग्रेशन है वो साल में 3 बार है, एंड ईच टाइम इट गेट्स रेट्रोग्रेड फॉर अबाउट 24 डेज। और अगर हम टोटल साल को कंसिडर करें तो हम कह सकते हैं कि 19.76% ऑफ द ईयर्स टाइम इट रिमेन्स रेट्रोग्रेड, करीब 20% साल में रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहता ही है, या 1/5 ऑफ द ईयर इट रिमेन्स रेट्रोग्रेड। सैटर्न है, सैटर्न साल में एक बार, हर साल एक बार रेट्रोग्रेड होगा। आप देखेंगे जोडियक में या पंचांग में कि हर साल सैटर्न जो है एक बार रेट्रोग्रेड होता है, और एक बार में इट गेट्स रेट्रोग्रेड फॉर 140 डेज, इट्स अ लॉन्ग टाइम, अबाउट 4.5 months एक्चुअली इकट्ठा। और अगर हम टोटल टाइम कंपेयर करें विद रेफरेंस टू द ईयर, हाँ जी,
So 36.39% of the year's time it remains retrograde. और जैसे आप जानते भी हैं कि अभी शनि और जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, ये करीब मई में रेट्रोग्रेड हुए थे और अक्टूबर में जाके डायरेक्ट होंगे। और जुपिटर जो है वो भी एक साल में एक बार, हर साल लेकिन साल में एक बार, बट लेसर देन द नंबर ऑफ डेज एज कम्पेयर टू सैटर्न। एक्चुअली तो सैटर्न तो 140 डेज के लिए होता है, ये होता है 120 डेज के लिए, चार महीने के लिए रेट्रोग्रेड होता है। और जो टाइम है, अगर हम साल का टाइम कंसिडर करें तो 30.2। एनी क्वेश्चन? और 30.2% ऑफ द टाइम इट रिमेन्स रेट्रोग्रेड। दूसरा है कि मंगल और वीनस, मार्स एंड वीनस, इनका जो रेट्रोग्रेशन है दैट इज ओनली वंस इन टू इयर्स, दो साल में एक बार। मंगल और शुक्र जो है ये हर साल रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं, ये दो साल में एक बार रेट्रोग्रेड होते हैं। और कहते हैं कि मंगल जो रेट्रोग्रेड होता है दो साल में एक बार, वो करीब 80 डेज के लिए होता है या 9.33% ऑफ द ईयर्स टाइम रेट्रोग्रेड होता है। और इसी तरह वीनस जो है वो दो साल में एक बार रेट्रोग्रेड होता है और एट ए टाइम 42 डेज के लिए रेट्रोग्रेड होता है या 7.22% ऑफ द टाइम इट रिमेन्स रेट्रोग्रेड। तो ये तो रेट्रोग्रेशन हो गया। जैसे आपने देखा कि मरकरी जो है वो साल में तीन बार रेट्रोग्रेड होगा 24 दिन के लिए, शनि साल में एक बार होगा 4.5 months, जुपिटर साल में एक बार होगा 4 महीने के लिए, और मार्स और वीनस जो है दो साल में एक बार रेट्रोग्रेड होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि रेट्रोग्रेड होने से होता क्या है, व्हाट हैपेंस एक्चुअली। अल्टीमेटली जब हम प्रेडिक्शन करेंगे एस्ट्रोलॉजी में, वी आर कंसर्न विद द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, कि कोई भी प्लैनेट है उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी क्या एसेट एंड लाइबिलिटीज हैं, वो हमें क्या दे सकता है। नेचुरली प्रेडिक्शन तो वही है कि जो प्लैनेट की पोजीशन है उससे हम हर प्लैनेट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेशन तो जितनी स्ट्रेंथ होगी उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर स्ट्रेंथ वीक है तो बहुत ज्यादा हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगर प्लैनेट स्ट्रांग है तो उससे हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम हर प्लैनेट का टोटल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। अल्टीमेटली जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो हर प्लैनेट का टोटल स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया जाता है, और क्योंकि वो इट हैज सिक्स टाइप ऑफ स्ट्रेंथ सो वी कॉल इट षडबल। जैसे आप यहाँ देखते हैं, मैं आपको जस्ट दिखा दूं, यहां आप देख रहे हैं षडबल लिखा हुआ है, ये दिस इज षडबल। तो षडबल इज why we call it shadbal, because it consists of six type of strength. जैसे आप देख रहे हैं स्थान बल है, we call it a positional strength. Second is a दिग बल, we call it directional strength. Third is the काल बल, we call it temporal strength. Next is the चेष्टा बल, we call it motional strength. Then next is the नैसर्गिक बल, we call it a permanent strength. And next is the दृक बल, we call it a aspect strength. तो ये छह टाइप की स्ट्रेंथ होती है जो एक टोटल प्लैनेट की स्ट्रेंथ बनती है, और इसको जब हम टोटल कर देते हैं तो यू गेट दिस षडबल जो यहाँ लिखा हुआ है ये। तो दिस इज द षडबल ऑफ ईच प्लैनेट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेंथ है चेष्टा बल, यहाँ देख रहे हैं चेष्टा बल। चेष्टा बल इज नथिंग बट द मोशनल स्ट्रेंथ, वी कॉल इट ए मोशनल स्ट्रेंथ। एंड चेष्टा बल इज बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेशन ऑफ द प्लैनेट। जब प्लैनेट कोई भी रेट्रोग्रेड होता है तो उसको एक एडिशनल स्ट्रेंथ मिलती है जिसको कि हम चेष्टा बल बोलते हैं, एडिशनल स्ट्रेंथ मिलती है जिसको कि हम चेष्टा बल बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा, वक्री होगा, तो इट विल गेट एन एडिशनल स्ट्रेंथ, इट विल बिकम मोर पावरफुल, ये और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और
इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड होता है हॉरोस्कोप में या गोचर में, तो वो प्लैनेट ज्यादा बली हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट है, तो और ज्यादा शुभ हो जाएगा। अगर बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट है, तो और ज्यादा शुभ हो जाएगा। अगर वही प्लैनेट मैलिफिक प्लैनेट है, अशुभ प्लैनेट है, क्रूर प्लैनेट है, तो और ज्यादा खराब हो जाएगा, उसकी मैलिफिकनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक तो ये पोजीशन का फर्क पड़ा कि कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है, वक्री होता है, तो उसको एक एडिशनल स्ट्रेंथ मिल जाती है, जिसको कि हम चेस्टेबल बोलते हैं। तो प्लैनेट बिकम्स मोर पावरफुल। मोर पावरफुल मीन्स कि बेनिफिक प्लैनेट विल बिकम मोर बेनिफिक एंड मैलिफिक प्लैनेट विल बिकम मोर मैलिफिक, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ गई है उसकी। और हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, दैट आल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, कि जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसका हमारी लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है। कहते हैं कि अगर कोई प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में रेट्रोग्रेड है जन्म के समय, कोई भी प्लैनेट जन्म के समय रेट्रोग्रेड है, लेट अस सी, एक मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूं। लेट अस से कि कोई हॉरोस्कोप है ये वाला, और इसमें आप देख रहे हैं कि मार्स की जो आर लिखा होता है ना, आर का मतलब होता है रेट्रोग्रेड। ये जो आर आपके प्लैनेट के साथ में लिखा है, इट मींस कि बर्थ के टाइम मंगल जो है इस हॉरोस्कोप में रेट्रोग्रेड प्लैनेट है। ये जो मंगल है यहाँ पर, इट वॉज रेट्रोग्रेड बर्थ के टाइम जो है। तो जब कोई भी प्लैनेट है, मान लीजिए कि मंगल यहाँ पर प्लेस्ड है, मंगल यहाँ पर प्लेस्ड है, तो मंगल का जो इन्फ्लुएंस होगा वो किन किन हाउसेस के ऊपर होगा यहाँ पर? मंगल यहाँ तो बैठा हुआ है ये सेवंथ हाउस के ऊपर, एंड इट इज एन एस्पेक्ट ऑन विच हाउसेस? पहला इसके ऊपर, फोर्थ एस्पेक्ट ये टेंथ हाउस के ऊपर पड़ा, देन इसके ऊपर पड़ा सेवंथ एस्पेक्ट, और एक इसके ऊपर पड़ा, तीन हाउसेस के ऊपर। वन प्लैनेट is influencing these four houses. जहां बैठा हुआ है उससे fourth position, उससे seventh position और उससे eighth position. तो एक planet जो है चार houses को influence कर रहा है, और ये planet जन्म के समय इस horoscope में retrograde है। और जब कोई भी planet, जैसे मंगल है, तो मंगल जब गोचर में, या अभी जैसे जब भी हम लोग किसी भी टाइम जब रेट्रोग्रेड होता है ट्रांजिट में, मंगल जब, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जुपिटर और सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, तो ऐसे ही जब मंगल रेट्रोग्रेड होगा, जब मंगल रेट्रोग्रेड होगा, तो वो क्या करेगा कि जहां जहां मंगल का इन्फ्लुएंस है उन हाउसेस में चेंज लाने की कोशिश करेगा, उन हाउसेस में चेंज लाने की कोशिश करेगा। जिस हाउस के ऊपर, उस जिन जिन हाउसेस के ऊपर उस रेट्रोग्रेड प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है, और जब ट्रांजिट में वो प्लैनेट गोचर में वक्री होता है, तो उन सारे हाउसेस में चेंज लाने की कोशिश करता है। जैसे कि मंगल का इन्फ्लुएंस यहाँ पर टेंथ हाउस के ऊपर है, वर्क प्लेस है आपका, वर्क प्लेस है, तो इसका मतलब जैसे ही मंगल रेट्रोग्रेड होगा, आप देखेंगे कि वर्क प्लेस पर कुछ ना कुछ चेंज आपको नजर आएगा, कुछ ना कुछ वहां चेंज हो गया, कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो गया, या आपकी पोजीशन को चेंज कर दिया, या आपने नौकरी बदल दी, या कुछ भी चेंज हो सकता है। तो उन हाउसेस में, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉसिबल नहीं है, बिजनेस में कोई चेंज हो सकता है, यहाँ वर्क प्लेस में कोई भी चेंज हो सकता है, आपकी हेल्थ में कोई चेंज हो सकता है, पैसे के मामले में, या जो इस हाउस के सिग्निफिकेशन है उसमें कुछ चेंज हो सकता है। तो एक प्लैनेट ने चार हाउसेस को इन्फ्लुएंस किया, और जब भी वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड हुआ, तो उन चार हाउसेस में कुछ ना कुछ चेंज लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि हर प्लैनेट कभी ना कभी तो रेट्रोग्रेड होता ही है साल में, मार्स को तो दो साल में होता है, बट बाकी प्लैनेट हर साल रेट्रोग्रेड होते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए कि शनि रेट्रोग्रेड है,
शनि जो है, या आर जो लिखते हैं, आर मीन्स रेट्रोग्रेड, मार्स भी रेट्रोग्रेड है और शनि भी रेट्रोग्रेड है। तो शनि यहाँ पर बैठा हुआ है लग्न में, शनि का जो प्लेसमेंट है वो फर्स्ट हाउस में है यहाँ पर, और इसका जो इन्फ्लुएंस हो रहा है एक तो इस हाउस के ऊपर हो रहा है, एक थर्ड एस्पेक्ट होता है इस हाउस के ऊपर हो रहा है, एक सेवेंथ एस्पेक्ट है वो इसके ऊपर हो रहा है, और एक ये टेंथ एस्पेक्ट इसके ऊपर हो रहा है। तो हमारे हाउस ऑफ प्रोफेशन को भी देख रहा है शनि यहाँ बैठकर, हाउस ऑफ प्रोफेशन को भी देख रहा है, और क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड है और आजकल शनि रेट्रोग्रेड चल रहा है जो कि 11 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा, तो मई से 11 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड हुआ तो आप देखेंगे कि वर्क प्लेस पर खासतौर से कुछ ना कुछ चेंज लाने की कोशिश करेगा, या वर्क प्लेस पर कुछ चेंजेस होंगे। तो दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट इन द बर्थ चार्ट। पहली चीज तो यह है कि प्लैनेट स्ट्रांग हो जाते हैं, बेनिफिक प्लैनेट हैं और बेनिफिक हो जाते हैं, मैलिफिक प्लैनेट हैं और मैलिफिक हो जाते हैं, और दूसरा जब एक्चुअल में रेट्रोग्रेड होते हैं, गोचर में रेट्रोग्रेड होते हैं, तो जिन हाउसेस के ऊपर उस प्लैनेट का आपके बर्थ चार्ट पर इन्फ्लुएंस है उन हाउसेस में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे सडनली रेट्रोग्रेड हुआ तो विदाउट एनी राइम एंड रीजन आपका वर्क प्लेस में कुछ चेंजेस हो गए, क्योंकि ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ जी, change will be positive or negative? That will depend on the planet. मैंने कहा कि अगर planet malefic है तो और ज्यादा malefic हो जाएगा, और अगर benefic है तो planet की position के ऊपर depend करेगा कि planet benefic है या malefic है। benefic है तो benefic change होंगे, malefic है तो malefic changes होंगे। But sir, there are too many good qualities also of Saturn. हाँ जी, there are too many good qualities of Saturn ना, तो जरूरी तो नहीं है सारा खराब ही करेगा, स्टेटस भी देता है सैटर्न हमें, पर अच्छा हो ना जब भी तो देगा ना स्टेटस। कहते हैं कि सैटर्न लग्न में बैठ के इट कैन मेक और मार ए पर्सन, जस्ट ओके अगर सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है इट कैन गिव यू एनी स्टेटस। और आप देखिए कि एक लेबर क्लास की कुंडली में भी शनि यही होता है, एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होगा उसकी कुंडली में भी शनि यही होता है, एक के केस में मैलिफिक है एक के केस में बेनिफिक है, अंतर सिर्फ यही है, एक नीच का बैठा हुआ है एक उच्च का बैठा हुआ है, प्लैनेट वही है। तो यही डिफरेंस आता है कि अगर प्लैनेट वीक है या मैलिफिक है तो स्टेटस वो क्या देगा स्टेटस, और वही अगर ये सैटर्न उच्च का है या वेल प्लेस्ड है तो इट कैन गिव यू एनी स्टेटस। तो ये प्लैनेट पर डिपेंड करेगा कि वो प्लैनेट क्या है, बेनिफिक है या मैलिफिक है आपके लिए। तो बेनिफिक है तो अच्छे रिजल्ट देगा, अच्छे चेंज करेगा, मैलिफिक है तो खराब चेंज करेगा। और दूसरा आपकी दशा के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बाकी जो प्लैनेट के गोचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो एनीवे अर्थ यह है कि अगर कोई भी प्लैनेट जब जन्म के समय रेट्रोग्रेड होता है तो वन हैज टू बी केयरफुल कि वो हर साल प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा तो उस टाइम वो उन प्लेसेस पर कुछ ना कुछ चेंज लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए किसी हॉरोस्कोप में 3-5 प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तब क्या होगा। कई हॉरोस्कोप आप देखेंगे भी कि बहुत सारे प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं, बहुत सारे, एक नहीं होगा, बहुत सारे प्लैनेट रेट्रोग्रेड होंगे, इसमें एक भी नहीं है। इसमें भी जैसे एक भी नहीं है, राहु और केतु के सामने तो रेट्रोग्रेड लिखा था। वो हमेशा रेट्रोग्रेड ही रहते हैं, राहु केतु का जो मूवमेंट है वो हमेशा उल्टा ही है, वो तो अलग है, उसको छोड़ दीजिए। बट जैसे इसमें दो प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, जुपिटर है और सैटर्न है, कई हॉरोस्कोप में आपको मिलेंगे 5-5 प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, और 3 तो बहुत कॉमन है, 3-5 तक भी रेट्रोग्रेड होते हैं। उसका क्या इफेक्ट होगा हॉरोस्कोप के ऊपर, अगर मान लो 3-5 प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है किसी भी हॉरोस्कोप में तो उस व्यक्ति की लाइफ पर क्या उसका इम्पैक्ट होगा। सर इंस्टेबिलिटी,
या वेरी गुड। एक प्लैनेट आपने देखा चार हाउसेस में इनस्टेबिलिटी करता है। एक प्लैनेट अभी आपने देखा कि चार हाउसेस को इनस्टेबल कर रहा है, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है। और अगर चार प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गए तो ऑलमोस्ट एवरी हाउस इज कवर्ड, ऑलमोस्ट एवरी हाउस इज कवर्ड। और प्लैनेट तो रेट्रोग्रेड होंगे ही होंगे, हर साल होंगे, तो वो तो बेचारा चेंजेस ही आते रहेंगे उसकी लाइफ में, चेंजेस ही आते रहेंगे। तो कहते हैं कि ऐसे लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी कभी नहीं होती। लाइफ इज फुल ऑफ इनस्टेबिलिटी, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत चेंजेस होते हैं, बहुत वेरिएशंस होते हैं, और जिसके कारण ऐसे लोग बहुत परेशान भी रहते हैं, क्योंकि लाइफ में कभी कहते हैं कि हमारी लाइफ में कभी स्टेबिलिटी नहीं आई। तो ये नेगेटिव इफेक्ट है, ये नेगेटिव इफेक्ट है प्लैनेट का, जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट का, अगर ज्यादा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है आपके हॉरोस्कोप में। और सर हाँ जी, अगर बर्थ के समय ये रेट्रोग्रेशन है तभी हर साल उसमें चेंज आएगा? हाँ, अगर है जब भी समय... हाँ है जब भी चेंज होगा। अगर हॉरोस्कोप में कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट नहीं है फिर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी जी, हर साल रेट्रोग्रेशन होता ही है वो? बिल्कुल, हर साल रेट्रोग्रेड तो होते ही है प्लैनेट, तो हर बार चेंज होना तो नेचुरली बहुत इनस्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में, तो वो उसको हम अच्छा नहीं मानते, एक्चुअली उसको अच्छा नहीं माना गया। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में बहुत लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं, बहुत जगह आपको देखेंगे कि मिसगाइड किया जा रहा है, कि कोई कहता है कि बेनिफिक प्लैनेट मैलिफिक हो जाता है, मैलिफिक प्लैनेट बेनिफिक हो जाता है, कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि रेट्रोग्रेड होता है तो पिछले हाउस के रिजल्ट देता है, और बहुत अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, ना तो बेनिफिक प्लैनेट मैलिफिक हो सकता है, ना मैलिफिक प्लैनेट बेनिफिक हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो बेनिफिक प्लैनेट अगर होता है तो और ज्यादा बेनिफिक हो जाता है, मैलिफिक प्लैनेट होता है तो और ज्यादा मैलिफिक हो जाता है। और इसके बारे में बहुत रिसर्च भी हुई है, देयर नंबर ऑफ बुक्स आल्सो अवेलेबल ऑन रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। तो इसमें ये भी कहा कि जैसे हम लोगों ने कहा था कि जो कारक हैं सेक्स के, मार्स है इन द केस ऑफ फीमेल एंड वीनस इन द केस ऑफ मेल एक्चुअली। तो बहुत रिसर्च होने के बाद ये पता लगा कि अगर फीमेल के केस में मार्स रेट्रोग्रेड है, फीमेल के केस में अगर मार्स रेट्रोग्रेड है, या मेल के केस में वीनस रेट्रोग्रेड है, फीमेल के केस में मार्स रेट्रोग्रेड है या मेल के केस में वीनस रेट्रोग्रेड है, तो दैट पर्सन इज लाइकली टू गेट इन्वॉल्व इन अ सेक्स स्कैंडल आल्सो। ये मर्करी और वीनस का रेट्रोग्रेड होने का ये उसका रिजल्ट भी होता है, कि अगर मार्स फीमेल के केस में और वीनस मेल के केस में अगर रेट्रोग्रेड है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन द सेक्स स्कैंडल आल्सो। तो दिस इज आई थिंक ऑल अबाउट रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स। हाँ जी सर, एक व्यक्ति का मैंने देखा था मर्करी जो है रेट्रोग्रेड है, वो इंटेलिजेंट है, इंजीनियर है, लेकिन वो सर क्या बोलू, दैट यू कैन से न्यूट्रल, न्यूट्रल इन द सेंस यू नो निम्फोमैनियक, सर कैसे बोलू, ट्रांसजेंडर। सर वो इंटेलिजेंट है, इंजीनियर भी है, लेकिन ट्रांसजेंडर है उसमें। मर्करी देखिए, हमने जब डिस्क्राइब किया था कि सम प्लैनेट्स आर मेल प्लैनेट्स, सम आर फीमेल प्लैनेट, एंड सम आर न्यूट्रल प्लैनेट्स, सम आर न्यूट्रल प्लैनेट्स। तो जो मून और वीनस है वो फीमेल प्लैनेट्स हैं, मून एंड वीनस, और मार्स, सन, मार्स एंड जुपिटर, दे आर मेल प्लैनेट, एंड मर्करी एंड वीनस, दे आर मर्करी एंड सैटर्न, दे आर न्यूट्रल प्लैनेट्स, मर्करी एंड सैटर्न। तो यही होता है, जब हम कहते भी हैं कि जब मर्करी और सैटर्न का इन्फ्लुएंस सेवेंथ हाउस के ऊपर होता है तो पर्सन में भी इम्पोर्टेंट आल्सो, जब मर्करी और सैटर्न का सेवेंथ हाउस के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, तो ये न्यूट्रल प्लैनेट है, तो उसकी वजह से ये सब कुछ होता है, क्योंकि इनको कहा ही न्यूट्रल प्लैनेट ही कहा एक्चुअली में। सो दैट पॉसिबिलिटी इज देयर व्हाट वी आर टेलिंग।
ये राहु केतु है, ये सन है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है और ये अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है। तो ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मून्स पाथ एंड द एक्लिप्टिक, एक यहां पर एक यहां पर, ये जो दो पॉइंट है बेसिकली दे आर नोन एज नोड्स या राहु केतु। ये राहु केतु कुछ नहीं है, प्लैनेट नहीं है, दे आर जस्ट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मून्स पाथ विद द एक्लिप्टिक। और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा असेंडिंग नोड है, असेंडिंग नोड, इसको हम राहु कहते हैं। असेंडिंग नोड इज राहु एंड दिस इज डिसेंडिंग नोड, डिसेंडिंग नोड इज केतु। तो ये बेसिकली राहु केतु है, एक असेंडिंग नोड है, एक डिसेंडिंग नोड है। तो बेसिकली दे आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्लिप्टिक विद द मून्स पाथ। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अबाउट द रीजन फॉर चेंज इन द सीजन्स। पृथ्वी पर आप देख रहे हैं कहीं सर्दी हो रही है, कहीं गर्मी हो रही है। हमारे यहाँ इस समय गर्मी है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सर्दी है। तो ये सीजन का चेंज होने का क्या कारण है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया कि व्हाई देयर आर चेंजेस इन द सीजन? एक्चुअली हम लोग देखते ही हैं, ये शायद पढ़ा भी होगा हम लोगों ने शुरू में कि ये सीजन क्यों चेंज होते हैं अलग अलग जगह पर। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन मेक्स चेंजेस इन द सीजंस। नो, एनीवन एल्स? इंक्लिनेशन। हाँ, 33 डिग्री अर्थ, ये ओनली रीजन इज कि अर्थ एक्सिस इज नॉट वर्टिकल। Yeah, it is elliptical, so that is not elliptical. Earth axis, yeah. I am saying is not vertical. It is inclined from the vertical at an angle of 23.5 degree. ये जो Earth आप देख रहे हैं, इसकी ये axis है ये वाली। ये vertical अगर होती तो सब जगह एक ही type का season होता पूरी दुनिया में। But somehow ये जो Earth की axis है, ये vertical नहीं है। अगर ऐसी vertical होती तो फिर तो सीजन का मतलब ही नहीं था। ये एक्सिस जो है ये टिल्टेड है एट एन एंगल ऑफ 23.5 degree फ्रॉम द वर्टिकल, एंड दिस इज द ओनली रीजन फॉर चेंज इन द सीजन। लोग जनरली ये पूछते हैं कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस होता है, उसकी वजह से सीजन चेंज होता है। नहीं, उसका कोई रीजन नहीं है। जैसे हमने कहा कि जनवरी के महीने में हमारा सन और अर्थ बिल्कुल पास में होते हैं, सबसे नजदीक होते हैं, उस टाइम हमारे यहाँ सबसे कोल्ड सीजन होता है। अगर ये रीजन होता तो जनवरी में इंडिया में सर्दी क्यों पड़ती? तो उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। हाँ जी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम सन। हाँ, तो उसका जो रीजन है वो ये है कि जो अर्थ की एक्सिस है ये वर्टिकल होने की बजाय ये इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 23.5 degree। अब आप डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन कंसिडर करिए अर्थ की। ये सन है, सन के चारों तरफ पृथ्वी जो है वो घूम रही है। Suppose Earth is here, ये Earth है यहाँ पर, ये वो axis है, और axis की अगर हम 90 degree angle पर खींचेंगे तो equator हो जाएगा। Earth के अगर axis के 90 degree पर line खींचेंगे तो that is equator, और equator के ऊपर northern hemisphere है और नीचे southern hemisphere है। ऊपर northern hemisphere है और नीचे southern hemisphere है। अब मान लीजिए कि Earth इस position में है, ये एक्सिस है और ये जो है इक्वेटर है, ये आप देखना ये वाला इक्वेटर है। तो अर्थ की जो सॉरी सन की जो लाइट पड़ रही है, सन की रेस पड़ रही है, वो किस पोर्शन पर पड़ रही है? साउथर्न हेमिस्फीयर पर। साउथर्न हेमिस्फीयर पर, सिंपल है कि ये दिसंबर के महीने में ये पोजीशन होती है, और इस पोजीशन में हम देखते हैं कि सन की सारी रेज जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर पर पड़ रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर कोई रेज नहीं पड़ रही यहाँ पर। तो जो भी प्लेसेस हैं हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में, जो भी प्लेसेस हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में हैं वहां गर्मी हो जाती है, और जो प्लेसेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहां सर्दी हो जाती है। तो यही ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे राजीव जी, दिसंबर के महीने में बहुत गर्मी हो जाएगी, और ये हम यहाँ पर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
हम हैं अमेरिका है तो वहां सर्दी रहती है एक्चुअली। तो दिस इज द ओनली रीजन, अगर ये वर्टिकल होती तो फिर बात दूसरी होती, ये सिर्फ क्योंकि इंक्लाइंड है वर्टिकल से। तो इस पोजीशन में दिसंबर के महीने में जब ये पोजीशन होती है सन और अर्थ की, तो सन की जो रेस पड़ती हैं वो सारी की सारी सदर्न हेमिस्फीयर पर पड़ती हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ठंड हो जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो जाती है। अब यहाँ पर ये मार्च का महीना है, मान लीजिए ये पोजीशन सन और अर्थ की ये है, तो ये एक्सिस तो ऐसी रहेगी, जो अर्थ की जो एक्सिस घूम रही है वो इसी तरह से घूमेगी, तो एक्सिस ऐसे ही है। और ये हमने देखा कि जब हमने इसको इक्वेटर 90 डिग्री टू द एक्सिस, तो अब जो सन की लाइट कहां पड़ रही है, इक्वेटर सन की जो लाइट है वो कहां पड़ रही है सर, साउथ में ही तो पड़ती है। नहीं नहीं, इक्वेटर पे, मिडिल में, दोनों तरफ पड़ रही है, दोनों हेमिस्फीयर्स में पड़ रही है, दोनों तरफ पड़ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी पड़ रही है और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वली पड़ रही है। तो नेचुरली वो टाइम है जना सर्दी ना गर्मी किसी भी जगह, तो उसमें हम कहते हैं कि फॉल है साउथ ऑफ द इक्वेटर और स्प्रिंग है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में, जो है दोनों तरफ लाइट पड़ रही है, तो इसलिए कहीं भी ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है। फिर यहाँ पर आ जाइए, ये जून का महीना है, जून का महीना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ टोटल आप देख रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है लाइट पूरी की पूरी जो है, तो नेचुरली जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज हैं वहां गर्मी हो जाएगी और जो सदर्न हेमिस्फीयर में वहां सर्दी हो जाएगी। तो जून का महीना है तो हम जून में हमारे यहाँ गर्मी और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में सर्दी एक्चुअली। ऐसे ही जब ये सितंबर का महीना आता है सितंबर के महीने में यहाँ पर, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि दोनों पोर्शन पर पड़ रही है, नॉर्दर्न पर भी पड़ रही है और सदर्न पर भी पड़ रही है, तो कहीं पर ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, तो स्प्रिंग साउथ में कहते हैं और फॉल हम नॉर्थ में कहते हैं इसको। फॉल सीजन होता है सितंबर में जैसे इसमें अमेरिका वगैरह में, तो ये सितंबर का महीना हो गया कि जब लाइट जो है दोनों तरफ पड़ी, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी उस टाइम जो है। So this is basically the basic phenomenon I think which everyone should understand also, क्योंकि जब हम लोग ज्योतिष में आए गए हैं तो ये सब चीजें मालूम भी होनी चाहिए, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये I think these are all the things which are connected with the solar system and everyone should know about these things actually. Now आप बताइए, any question on this? And the slide 17, that Rahu at Ketu. 1 minute, I'll just... तो ये descending node or ascending node Rahu Ketu, इसका significance क्या है? And this is basically nothing. These are two points opposite to each other. But that impacts the houses. One is known as Rahu, one is known as Ketu. And how will we explain? We explain the effect of these two planets, because we consider them as a planet actually. और जब हम लोगों ने इसको mythology से relate किया था, just to understand the difference between Rahu and Ketu. जैसे मेरा सोच जैसे ये था कि Earth rotate करती है तो ठीक है, हर दो घंटे पे राशि परिवर्तित होते जाते हैं. जी. तो लेकिन इस केस में अर्थ के रोटेशन से ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, हम बस वो समझने की कोशिश कर रहे थे, वो तो राशि की पोजीशन तो बहुत क्लियर नहीं, राशि का इससे कोई मतलब नहीं है, राशि का इससे मतलब नहीं है, वो इनका मूवमेंट जो है वो अलग अलग है बिकॉज ऑफ दिस द मूवमेंट ऑफ द सोलर सिस्टम एक्चुअली, तो उसकी वजह से हम कहते हैं ना कि ये 1.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, तो दैट हैपेंस आफ्टर 1.5 ईयर्स एक्चुअली। तो ये भी हो सकता है कि ये इसका जो प्लेन इंक्लाइंड है, जी, तो जब वो नीचे जा रहे हैं तो डिफरेंट इफेक्ट देंगे और जब ऊपर जा रहे हैं तो डिफरेंट इफेक्ट देंगे। बिल्कुल, ओके,
ये लिखा भी यहाँ 5 degree जो है दैट इज द डिफरेंस इन द प्लेन ऑफ बोथ एक्चुअली एक्लिप्टिक एज वेल एज द मून्स पाथ. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मून का जो इंक्लाइंड होना मून के पाथ का 5 degree. इसकी वजह से आपने देखा कि सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्सिस. नहीं तो हर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ता, हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ता अगर ये ऐसा ना होता तो. नहीं राहुल के चूंकि आपने बहुत अच्छे से समझाया, नहीं तो हम सोचते रहते थे कि इसका एस्ट्रोइड्स वगैरह से तो कुछ नहीं नहीं नथिंग टू डू दीज आर बेसिकली टू पॉइंट्स ओनली एंड दे हैव सम इन्फ्लुएंस एज पर आवर वैदिक सिस्टम दैट्स व्हाई वी रीड देम दे आर नॉट द प्लैनेट्स एक्चुअली. और इसीलिए बहुत बार ये चर्चा होती है कि कई बुक्स में भी लिखा हुआ है कि इसका एग्जॉल्टेड पॉइंट ये है, डेब्लिटेटेड पॉइंट ये है, ओन साइन ये है, बट नथिंग टू डू विद यू शुड नॉट गो इनटू दैट डिटेल बिकॉज एक तो ये प्लैनेट नहीं है, दूसरा इनके कोई अपने रिजल्ट्स भी नहीं है. ये रिजल्ट्स हाँ सर इनका भी एस्पेक्ट होता है ना 5 और 9 पे. नहीं बिल्कुल एस्पेक्ट है लेकिन सर क्या है कि मेरा एक दोस्त है उसको किसी पंडित को दिखा तब मेरे को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था और उसको डराया कि आपका सारी प्लैनेट्स इनका राहु और केतु का बीच में तो आप एक चांदी का कुछ सांप बना के और हम मंदिर में देना पड़ेगा वो भी शिव का मंदिर में उसको बोला कुछ काल सर्प योग. तो सर एक्चुअली कुछ होता है काल सर्प योग या दैट इज इमेजिनरी? काल सर्प योग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट योगा इन द हॉरोस्कोप और हम लोग उसको पढ़ेंगे भी बट लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू. जब आपने पूछा है काल सर्प के बारे में तो जस्ट आई विल गिव यू सम आइडिया. इसमें देखिए राहु इज हियर एंड केतु इज हियर अलोंग विद द सैटर्न. ठीक है तो अगर हम डिग्री देखें केतु और सैटर्न की तो सैटर्न इज 18 degree, सैटर्न इज 18 degree एंड केतु इज 17 degree. तो सैटर्न विल गो इनसाइड, सैटर्न विल गो इनसाइड एंड केतु विल रिमेन आउटसाइड. तो यहाँ पर क्या हुआ कि सारे प्लैनेट जो हैं ऑल प्लैनेट्स दे आर बिटवीन द एक्सिस ऑफ राहु एंड केतु. All planets, they are between the axis of Rahu and Ketu. तो जब सारे planet Rahu Ketu axis के एक तरफ होते हैं, बहुत horoscope में मिलेंगे आपको. तो उसको हम काल सर्प योग कहते हैं ज्योतिष में. काल सर्प योग. जब all planets are between the axis of Rahu and Ketu. अब जो कहा जैसे बता रहे हैं आपके निराकार जी कि ज्योतिष के पास गए और वो कहेगा कि आपकी जो भी लाइफ की समस्याएं हैं वो शायद इसी के कारण हैं और आपको सारे उपाय कराएंगे, आपको नासिक ले जाएंगे, गढ़गंगा ले जाएंगे, पता नहीं कांगा ले जाएंगे और आपको बहुत सारे उपाय कराएंगे और आप देखते हैं उससे कुछ नहीं होगा. क्योंकि काल सर्प योग का मतलब क्या हुआ, वंस वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस. अगर मान लीजिए कि सारी चीजें एक तरफ हो जाती हैं तो क्या इंडिकेट करता है वो, अगर आप वेइंग बैलेंस में सारी चीजें आप एक तरफ रख देंगे तो क्या होगा, वो साइड झुक जाएगा सर, देयर इज इंबैलेंस, लाइफ इंबैलेंस हो जाएगी, देयर इज इंबैलेंस, समथिंग सम इंबैलेंस इज देयर. एंड एग्जैक्टली सेम इज द पोजीशन ऑफ दिस योगा कि जब किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में काल सर्प योग होता है तो देयर इज सम इंबैलेंस इन द लाइफ, सम इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इज मिसिंग. जैसे मान लो किसी को शादी का सुख नहीं है, किसी को हेल्थ का सुख नहीं है, किसी को बच्चे का सुख नहीं है, किसी को पैसे का सुख नहीं है, किसी को प्रोफेशनल लाइफ का सुख नहीं है, किसी को अपनी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई एक्चुअली में, तो दैट इंडिकेट द बैलेंस एंड दैट इज द ओनली इफेक्ट ऑफ काल सर्प योगा कि आपकी जो लाइफ का कोई भी जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो आपकी लाइफ का वो सुख नहीं मिलेगा. इसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं होता. इट इज नॉट कंसर्न विद द पोजीशन, इट इज नॉट कंसर्न विद द डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स आल्सो.
जो लाइफ में इम्बेलेंस है वो तो होगा ही होगा, जो है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन डे टू डे हम कहें लाइफ में, कि जैसे लोगों को बता दिया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो कहते हैं नहीं 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 तुम्हारे काल से पियोग है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, और आप चलो उपाय करो फटाफट, जैसे कहा इन्होंने कि वो चांदी के शब्द जो है वो पानी में बहाए एक्चुअली में, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक योग है ये योग यही इंडिकेट करता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ इम्बेलेंस है। बस आप किसी का भी हॉरोस्कोप देख लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की हॉरोस्कोप में भी काल सर्प योग था, ये रवि शास्त्री का हॉरोस्कोप है इसमें भी काल सर्प योग है, कई ऐसी पोजीशन में तो कोई उसकी फर्क नहीं पड़ा इसकी वजह से जो है, या हम कहें उसे कुछ नहीं मिला इस काल सर्प योग की वजह से, दोनों केसेस में देखें। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि फिर इनकी लाइफ में जो इम्बेलेंस है वो किस फील्ड में होएगा, मतलब वो ये कहते हैं कि जिस हाउस का राहु के साथ कनेक्शन होता है या जिस हाउस के ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस होता है उस हाउस से कनेक्टेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जिस हाउस के ऊपर, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको जो है, बट अभी जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू एक्चुअली कि जिस हाउस के ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस होगा उस हाउस के सिग्निफिकेशन से कनेक्टेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। जैसे अभी आपने देखा ये रवि शास्त्री का हॉरोस्कोप देखा आपने, इसमें राहु थर्ड हाउस में है, सेवेंथ हाउस को देख रहा है वो, तो सेवेंथ हाउस मींस मैरिज, सो समथिंग कनेक्टेड विद द मैरिज, समथिंग कनेक्टेड विद द मैरिज एक्चुअली। सर अगर सर सैटर्न अगर यहां पे 15 डिग्री होता हां जी सर, इफ सैटर्न विल बी 15 डिग्री हियर फिर काल सर्प योग था ही नहीं, देन देयर इज नो काल सर्प योग। और होता यही है कि अगर एक प्लैनेट भी उस एक्सिस के बाहर निकलता है तो आपको बता दिया जाता है पार्शियल काल सर्प योग है, आंशिक काल सर्प योग है। दो प्लैनेट निकलते हैं फिर भी आंशिक काल सर्प योग है, और आपको उपाय तो करा ही दिए जाते हैं वो तो, बिकॉज दे हैव टू अर्न द मनी एक्चुअली। और आप एक बार चले गए ज्योतिष के पास तो वो आपको बता ही देगा कि कहीं ना कहीं से आंशिक है कोई पूरा है, वो हो ही जाएगा अपने आप ही। जो सर ये जो एक जिसका कुंडली है जिसमें सैटर्न और केतु नाइन्थ हाउस में भाग्य भाव में, सर ये लेबर टाइप का कैटेगरी का कुंडली है जी सर, लेबर लेबर क्लास का कैटेगरी हो सकता है ये? रवि शास्त्री का हॉरोस्कोप है वो, ये क्रिकेट, ओह माय गॉड, या नॉट लेबर क्लास। Okay, sir. सर तो आपके हिसाब से काल सर्प योग का कोई इलाज करना है ही नहीं, जरूरी नहीं, नहीं सकता, there no use। अगर आप बचपन से ही कुछ करेंगे तो फायदा है, लेकिन डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं होती है, और जो इम्बेलेंस है वो तो करेगा ही करेगा, उसको आप नहीं रोक सकते। सर ये स्लाइड्स आप शेयर करेंगे हैं जी ग्रुप में शेयर करेंगे सर ये? हाँ, व्हाई नॉट, कर दो। हाँ जी हाँ। और सर जैसे आपने आज चीजें सारी हमें बताई ना स्लाइड के थ्रू, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द नक्षत्र एंड राशि आल्सो, उनका मूवमेंट जोड़िया है, स्लाइड कोई स्लाइड इस तरह की है आपके पास प्रेजेंटेशन, या आप अपनी स्क्रीन पर हमें ड्रॉ करके बता दें कि जोड़ियक में नक्षत्र और राशि का जो मूवमेंट हो रहा है, तो वो वैसे तो क्लियर है कि वो डिग्री वाइज हो रहा है एंड ऑल दैट, बट उनकी पोजिशन कैसे रहे? नक्षत्र आई थिंक कि नक्षत्र हमारे स्टेबल रहते हैं, नक्षत्र मूव नहीं करते, तो वो चीज क्या कोई स्लाइड ऐसी है कि उसके थ्रू आप हमें दिखा सके सर? नहीं, वो तो राशि और नक्षत्र तो फिक्स्ड हैं, प्लान मूव तो प्लैनेट कर रहे हैं, राशि और नक्षत्र तो फिक्स्ड हैं जोड़ी एक में, वो थोड़ी मूव करते हैं, बट प्लैनेट मूव कर रहे हैं, तो प्लैनेट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट राशि में डिफरेंट डिफरेंट नक्षत्र में जा रहे हैं। ये चीज कोई नहीं, स्लाइड क्या, वो तो हमने कहा कि उसने जोड़िया के डिवीजन किए 12 डिवीजन 12 राशियां हो गई, वो फिक्स्ड है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, वो तो मूव नहीं कर रही, और हर राशि में सवा दो नक्षत्र हैं, उनकी पोजीशन भी फिक्स्ड है, वो भी मूव नहीं कर रहे, प्लैनेट मूव कर रहे हैं कि डिफरेंट राशि में और डिफरेंट नक्षत्रों में, तो वी आर कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, नॉट विद द मूवमेंट ऑफ राशि एंड नक्षत्र। आपका ऑडियो म्यूट है मनीषा जी। हाँ, ऐसे जोड़ियक का आपने शुरू में दिखाया था स्लाइड में जी। हाँ, तो वो तो दैट इज अ फिक्स्ड पार्ट ऑफ द जोड़ियक, वो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं करते हैं एक्चुअली में। ओके,
सर कोई बुक है जिसमें नक्षत्र को बारे में डिटेल में और कहानी की तरह हो, क्योंकि सर वो नाम याद रखना थोड़ा भारी पड़ता है, राशि तो एक ही हो जाता है, नक्षत्र याद नहीं रहता है सारी की सारी। नहीं, the number of books, if you go to the market, a large number of books are available on nakshatras. So you can buy any book. I think there's one request from my side, because tomorrow I want to have this class 30 minutes earlier. So only Mukul will have problem because he will have to get up early. But I will request him also to just adjust tomorrow. So we'll start at 2:30 tomorrow. Okay. Yeah. Okay. No problem. Any other question? सर एक क्वेश्चन है जी, कि जैसे शुक्र है जी जी लगन में बैठा है जी और रेट्रोग्रेड है जी, तो जिंदगी वो उसकी नेगेटिविटी रहेगी? नेगेटिव मैंने कब कहा, मैंने कब कहा कि रेट्रोग्रेड होकर नेगेटिव हो जाता है, ये तो मैंने नहीं कहा एक बार भी जी। अगर वीनस लग्न में है तो लग्न में तो अच्छा ही होना चाहिए, और अच्छा है तो रेट्रोग्रेड होने से और पावरफुल हो जाता है। सपोज करिए कि लगन जो है वो नंबर 8 है, हाँ हाँ, और लगन में बैठा है शुक्र और रेट्रोग्रेड है जी, तो वो सारी जिंदगी उसकी नेगेटिविटी रहेगी? नहीं, क्योंकि 8 है उसमें। एक प्लैनेट से नेगेटिविटी नहीं होती, वी हैव टू सी ऑल द प्लैनेट्स। खाली हम ये कहना है कि मंगल एक नंबर राशि में शुक्र बैठा हुआ है रेट्रोग्रेड होकर, इसका कोई मीनिंग नहीं है एक्चुअली में, अनलेस वी सी द टोटल हॉरोस्कोप। अच्छा, इससे नहीं बता सकते कुछ भी जी। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है, हाँ। अगर केतु, जैसे आप कहते हैं अगर लगन में कोई भी ग्रह बैठ जाए उसका हाउस का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, वो बेस्ट एंड बेस्ट अपना फल देता है, और केतु है जो कि स्पिरिचुअल प्लेनेट है, अगर वो लगन में बैठा हुआ है तो वो क्या इफेक्ट देगा आपको? स्पिरिचुअल बनाएगा आपको, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाएगा पहली चीज जी, और दूसरा यह है कि केतु कुछ ना कुछ आपके अंदर बहम डाल देगा। अच्छा, कुछ ना कुछ फोबिया डाल देगा आपके अंदर। हाँ 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 हा। तो वो भी इफेक्ट होता है उसका। सर शॉर्ट हाइट होगा, सर केतु लग्न में मैंने देखा शॉर्ट हाइट है, ज्यादा हाइट नहीं होता है। क्या देता है सर? शॉर्ट हाइट, हाइट लंबा नहीं होता, राहु लंबा होता है, केतु शॉर्ट हाइट होते हैं। ये नहीं कह सकते, इट विल डिपेंड ऑन द राशि आल्सो, कौन सी राशि है लग्न की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी मीट टुमारो एट 2:30। Okay, then. Thank you so much. Good night. Thank you. Night. Thank you.